हाय गाइस नमस्ते। जेमिनाइन के लिए मैं यहाँ पे जुलाई मंथ की कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। आप इसको कभी भी देख सकते हैं और आपसे जितना रेजोनेट होता है उतना ले सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ जेमिनाइन के यहाँ पे। तो पहले हम गाइडलाइन लेंगे, ठीक है, जुलाई मंथ। थैंक यू यूनिवर्स, माय गॉड, टू कार्ड्स आए हैं आपने। या आपको अनफाउंडेड फियर, आपका जो भी दर्द है, दुख है, वो जून मंथ में ही आपको यहीं पे ख़त्म कर देना है। ओके, आगे नहीं लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में इसको नहीं लेके जाना है। ये कार्ड यही कह रहा है क्योंकि आप ब्रिलियंट हो, आप इंडिपेंडेंट होने का आप में स्टैमिना है। तो ओके, ये कार्ड से ही बता रहे हैं कि आपको फोकस करना है आपके करियर के ऊपर, ठीक है। आप कौन से भी सिचुएशन में रहो, आपको यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो और आप आगे जा सकते हो, ठीक है। ना कि आपको डिप्रेशन में रात रात भर जागने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंजल्स गाइडलाइन यही आ रही है। ओके, ये रह गया बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। मैंने अभी कहा आपको कि वहाँ पे जो जहाँ पे आपको डिप्रेशन मिलता है, जो लोग आपके साथ में है कि आपको जो बॉदर कर रहे हैं या आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, वहाँ से आपको उनके तरफ ध्यान नहीं देना है। अदरवाइज़ आपको कुछ शांति से रहने की कुछ स्पेस मिलती है, यानी आप शिफ्ट हो सकते हो कहीं पर। तो आप शिफ्ट हो जाइए, यहाँ पे यही गाइडलाइन आ रही है, ठीक है। तो आप आपके फ्यूचर को अच्छा बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो, ठीक है। नाउ आई एम स्टार्ट यहाँ पे आपकी जुलाई मंथ की गाइडलाइन। ओके, थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स, द लवर, द व्हील, यस। यहाँ पे यही एनर्जी पीक हो रही है कि आपको ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो बॉटम ऑफ द डेक ये हम लास्ट में देखेंगे कि हमें क्या जुलाई मंथ के लिए गाइडलाइन मिलती है। तो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे आपका सेपरेशन हुआ है, दैट्स वाई मे बी ये एक ऐसा कार्ड निकला है कि यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। यहाँ पे नीचे ये भी दिया है, डिवोर्स और अनमैरिड इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आपका सेपरेशन हुआ है, ये यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। तो आपको आपके लाइफ के लिए यहाँ पे निकलना है। आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको क्रिएटिविटी आ रही है आपके माइंड में, नए रास्ते आपको मिल रहे हैं कि आपको इस मंथ, नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है। तो ठीक है, और ये है कि आपकी एक साइकिल ये नेक्स्ट मंथ में, जुलाई मंथ में यहाँ पे फिनिश होने वाली है। जो आपके शायद कार्मिक साइकिल थी वो यहाँ पे फिनिश हो रही है और यहाँ पे नेक्स्ट आप न्यू जर्नी के लिए स्टार्ट करने वाले हो। इट्स अ गुड, वेलकम कीजिए जो भी आपकी जर्नी अभी न्यू स्टार्ट होगी। नाउ आई एम द लवर का कार्ड यहाँ पे करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं द लवर। प्लीज क्लैरिफाई द लवर, थैंक यू। एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज यहाँ पे ऐसी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है कि आपने किसी और को, देखो द लवर्स का कार्ड है, दैट मीन्स कोई तो भी ऐसा पर्सन है जिससे आपने बहुत प्यार किया है। तो यहाँ पे आप उनको चाहते थे, आप उनको देखते थे, पर उन्होंने आपको आपने उनके लिए यानी फुलफिल जितना आप दे सकते हो आपके तरफ से आपने देने की पूरा ट्राई किया है। आपने प्यार पूरा देने का ट्राई किया, उनकी हर चीज़ को आप रेडी रहते थे कि वो जो भी बोलेंगे आप उसके लिए हाँ बोलते थे। पर उन्होंने आपको क्या दिखाया है, बहुत सारे होप्स दिखाया है, बट वही पर्सन यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है। दैट मीन्स वही उसके अंदर ही कालापन था, वो अच्छा पर्सन नहीं था कि जो आपको सिर्फ यहाँ पे बहुत सारे होप्स दिखा रहा है कि नहीं आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बट यहाँ पे आपने आपको उन्होंने आपसे फ्रॉड किया और वहाँ से आपने निकलने
वहाँ से आपने निकलने की कोशिश की और वहाँ से आप निकल गए। तो राइट नाउ हम यहाँ पे एस ऑफ शॉर्ट्स को देखेंगे। आपने उनको एंटरटेनिंग बाद में फील नहीं, आपने पूरा कट ऑफ कर दिया उनको, ठीक है, फोर्सफुली वहाँ से आपने आपको खुद को निकाल लिया। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ट्स और टेम्परेंस, यस, आपने इस टाइम में फोर ऑफ बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ वॉन्ट्स, गुड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो गाइज यहाँ पे आपने ना या करंट सिचुएशन में ऐसा है कि आप फोकस कर रहे हैं आपके करियर के तरफ, ओके, आपके फ्यूचर प्लान के तरफ, आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हो आपके इसमें, और आप हर चीज से, जो भी आपने किसी से लोन लिया है, कर्ज लिया है, कुछ भी लिया होगा किसी के आपके ऊपर, सर के ऊपर आपके जो भी पैसों का बोझा होगा, आप यहाँ पे उतारते हुए दिख रहे हो, और आप खुद को अच्छी तरह बैलेंस कर रहे हो पास को, और भगवान का भी ब्लेसिंग है आपको, एंजल्स की ब्लेसिंग है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे यूनिवर्स यहाँ पे यही गाइडलाइन दे रहा है कि जो भी इस वक्त जो भी कर्मा है यहाँ पे फिनिश कर दो, ओके, जो भी आपने पीछे का जो भी कर्मा किया है, जैसा भी किया है यहाँ पे, वो फिनिश कर दो, और अभी आगे उस कर्मा को आपको साथ नहीं लेके जाना है। तो यहाँ पे ये गाइडलाइन आ रही है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का बॉटम ऑफ द डेक है, आप फ्यूचर के लिए आपकी स्टेबिलिटी आने वाली है, यही यहाँ पे गाइडलाइन आ रही है। तो गाइज हम यहाँ पे देखेंगे द व्हील, द क्लैरिफाई द व्हील, द व्हील, द व्हील, यस, आपको परमात्मा, आपको यूनिवर्स, आपको यहाँ पे गाइडलाइन दे रहे हैं, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, मैंने पहले बोला था आपको इंट्यूशंस आ रहे होंगे, उसको जुलाई मंथ में आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, अभी स्टार्ट ही कर देना है, जब जब भी आपके सामने ये वीडियोज आता है, आपको फुलफिलमेंट मिलेगा, पूरा फुलफिलमेंट मिलेगा, आप न्यू जर्नी के लिए, न्यू अपने जीवन की नई दिशा के तरफ आप वहाँ पे जाते हुए दिख रहे हो, और डेफिनेटली आप जाओगे, वाओ, जजमेंट, या फुल्ली आपका न्यू लाइफ, न्यू मीन्स सब कुछ यहाँ पे, मैंने बोला द व्हील, पहले बताया द व्हील साइकिल एक है, जो आपकी पहले ही मैंने कहा कि कार्मिक साइकिल आपकी यहाँ पे खत्म हो रही है जुलाई मंथ में, ओके, और आपको हर इंट्यूशंस को, आप स्पिरिचुअल हो तो आप हर इंट्यूशंस को आप फॉलो करो, ठीक है, आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट करो प्रॉपर वे से करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, आपको ज़रूरत है, या नाउ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे प्लीज, यस। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है, जो लोगों ने आपसे, अपने ही लोगों ने, जिनको आप अपना मानते थे, उन्होंने ही आपसे फाइट की है, और आपको उसके हार और जीत का कुछ अफसोस नहीं है, तो उसको लेट गो कर देना है, उसको ना याद रखना है, ठीक है, आपको, वाह, ठीक है। तो ये मंथ आपका ऐसे ये जाएगा, जुलाई मंथ आपका क्रिएटिविटी भी रहेगा, आप खुद को इनर वर्क बहुत ज़्यादा करोगे, आपको पता चलेगा कि आपको थर्ड पार्टी जो भी थी, आपको जिसने हर्ट किया है, उसका मीन्स कैसे रहेगा, द लवर का कार्ड फिर से आया है, सेम एनर्जी आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मंथ आपका थोड़ा सा बैलेंस करने का रहेगा, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा भी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर्सन की चिंता मत करो, ठीक है, जो सेपरेशन हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है, मे बी आपके फ्यूचर में कोई अच्छा पर्सन, अच्छा अच्छा दिलदार कोई डिज़ायर होगा, जो आपको समझे, आपको आपको समझे, और आपको बेहतर तरीके से आपके करियर को, आपके हर चीज़ को आगे ग्रोथ के लिए देखे, उनके दिल में आपका रिस्पेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी को आपको फोकस करना है, यही गाइडलाइन आ रही है कि आपको उसको फोकस करना है, ना कि आपके पास को यहाँ पे फोकस करना है, जो गया वो गया, ठीक है। आप, मैंने कहा ना, आपको वर्क के ऊपर आपको फोकस करना है, जो आपके साथ में है उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, जो आपने छोड़ दी है, गई है, उसको नहीं ध्यान रखना है, ऐसा
एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही आया है कि आपको आपको हिम्मत रखनी है, आपको हिम्मत रखनी है, आपको डेयर करना है, आपको आपके करियर के तरफ, आपके जिस जो चीज आप सच्ची में आपका गोल एम्बिशन जो भी है उसके लिए आपको निकलना है और उसी के लिए आपको फोकस करना है। ये जुलाई मंथ आपको यही बताएगा, आपको रियलिटी बताएगा कि आपको एग्जैक्ट आपकी क्या आपका मिशन है। ठीक है, जो स्पिरिचुअल है उनको गाइडलाइन मिलेगी कि उनका सोल मिशन क्या है। ठीक है, तो मे बी आप उसको फॉलो करो, ठीक से देखो। ठीक है, और जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं उन लोगों के लिए यही गाइडलाइन है कि आपको बैलेंस करना है, पास्ट का नहीं देखना है। ठीक है, जो तो गाइस आई होप आपको यहाँ पे रीडिंग अच्छी लगी होगी जुलाई मंथ की। आपको यहाँ से पॉजिटिव चीजें लेनी है, जो भी गाइडलाइन मिलती है प्लीज उसको फॉलो कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।